मेरा नाम हर्षित है और मैं मसूरी से हूँ। और जैसे कि यहाँ पे मुझे जब आना था एक्टिंग करने के लिए, तो उससे पहले मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, मतलब देखा, सर्च किया दिल्ली में, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहना चाहता था क्योंकि मेरे भैया यहाँ पे रहते हैं। तो मैं सोच रहा था दिल्ली से पहले ट्राई करूँ, मुंबई बाद में जाऊँ। तो दिल्ली में जैसे कि मैंने देखा, काफ़ी इंस्टीट्यूट देखे मैंने, तो मुझे ये इंस्टीट्यूट इसलिए अच्छा लगा क्योंकि इसमें जो टाइमिंग्स थी वो काफ़ी मुझे अच्छी लगी। एक तो उसमें मॉर्निंग से लेकर पूरे शाम तक यहाँ पे क्लासेस चलती है, पूरे शाम तक चलती है, और उनमें अलग अलग तरीके की एक्टिंग क्लासेस दी जाती हैं, उसमें डांस क्लासेस होती हैं, उसमें मॉडलिंग क्लासेस होती हैं और काफ़ी सारी क्लासेस होती हैं, जो कि मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है। और मैंने इसलिए ज्वाइन किया, यहाँ पे फी की स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा था, मतलब औरों के जैसे मुकाबले में यहाँ पर बहुत अच्छा लगा, तो मुझे चीज़ अच्छी लगी इसलिए मैं यहाँ पर आया और मैंने एडमिशन लिया। ठीक है, एक तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेज में हमेशा बुलाया जाता है, हम स्टेज पे रहते हैं क्योंकि हम एक तरीके से एक्टर हैं, तो यहाँ पे हमें स्टेज पे रहना पड़ता है, तो इससे कॉन्फिडेंस हमेशा हमारे अंदर आया है, एक बढ़ता गया है। और बोलने का तरीका हमारा बहुत बदला है, स्पीच हमें यहाँ बहुत अलग अलग तरीके की एक्सरसाइज कराई जाती है मॉर्निंग में, जैसे मेडिटेशन कराया जाता है और फेशियल एक्सप्रेशन की होती है, एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक्टिंग के लिए बहुत सारे टीचर, अच्छे अच्छे टीचर हैं, भूपेंद्र सर है, सूर्य सर हैं, अश्विनी सर हैं और सागर सर है, और भी हैं काफ़ी सर हैं, और डांस के सर भी हैं यहाँ पे, और यहाँ बिल्कुल परफेक्ट सिखाया जाता है, जैसा मुझे लगता है कि बच्चे को पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, एक्ट कराते हैं यहाँ पे, एक प्रॉपर शॉर्ट फिल्म शूट कराती है मेरी, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ फिर भी मेरी शॉर्ट फिल्म एक बन चुकी है, प्ले भी मैंने कर चुका है। और यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ नहीं, अपॉर्चुनिटीज मिलती है और सीरियल्स भी शूट हो रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ शूट होता रहता है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी एक और प्रोजेक्ट है जो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाला है, मतलब आपको हमेशा वर्क करते रहना पड़ता है यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा नहीं कि अब खाली बैठोगे, ये कुछ हो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे हिसाब से तो अच्छा इंस्टीट्यूट है, बस मैं ये बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।